हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आज भागलपुर वर्ष बकरी के बीच मुकाबला होने जा रहा है, फाइनल मुकाबला, जो कि दोनों ही टीम बहुत मजबूत है। और देखिए एक तरफ भागलपुर और एक तरफ बकरी के बीच, और देखिए बकरी की टीम आते हुए मैदान पर नजर आ रहे हैं और भागलपुर अभी तक नहीं आए हैं। कृपया कुछ देर में भागलपुर की टीम से निवेदन है कि आप जल्द ही जल्द क्रीज पर हाजिर हो। और ये जो हमारे साथ दिख रहे हैं अंपायर महोदय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा अभी। ठीक है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो मैं आप अंपायर के लिए आपसे निवेदन है कि आप सच सच अंपायर करेंगे। हाँ, यस करेंगे। ठीक है, और अंपायर महोदय जी ने यह मान लिया है कि आज सच सच अंपायरिंग करेंगे। और देखिए आज हम आपको क्रीज का मुआयना करवाएंगे, देखिए किस तरह का क्रीज है। तो देखिए भागलपुर का टीम भोसरी वाला भागते भागते आ रहा है यहाँ पर, और बने बने यहाँ पर भागलपुर के भागते भागते प्लेयर सब आ गया है और क्रीज पर पहुंचते हुए भागलपुर का टीम और भागलपुर का जितना भी खिलाड़ी है, नौजवान है, देखिए कितना नौजवान खिलाड़ी सब है और सब जवाने हैं। देखिए इस प्लेयर सब का एकदम सज धज के आए हुए हैं भागलपुर का टीम, और जूता मोजा और पेड उड के साथ आए हुए हैं भागलपुर के टीम सब। तो देखिए देखिए भागलपुर का टीम यहाँ पर आ गया है, और देखते ही देखते बकरी का टीम पधारते हुए क्रीज के ओर, बकरी चराते हुए बकरी का टीम आ गया है क्रीज के ऊपर आ रहा है। देखिए बल्ला उल्ला भाज करके आ रहा है, लगता है आज बकरी बकरी चरा करके आया हुआ है। और देखिए अरे बाप रे बाप, जूता मोजा के साथ आया और पेटला भी आया है, देखिए पेटला भी आया है और पेटला। और देखिए ये जो है इसका इस टीम का कैप्टन, मुझे नाम नहीं पता है इस टीम का कैप्टन का नाम क्या है, बहुत गुस्से में लग रहा है, जीत कर ही जाएगा लगता है ऐसा। देखिए और अंपायर जी आ गए हैं टॉर्च लुटाने के लिए, और मैदान पर अंपायर जी जा रहे हैं टॉर्च लुटाने के लिए। तो देखिए कौन टीम टॉर्च को बोलने के लिए तैयार होते हैं, देखिए। आप हेड बोलना है या टेल बोलना है? हमको हेड बोलना है। हेड। हमको टेल बोलना है। चलो ठीक, चलिए। और देखिए यहाँ पर हेड आया है, और हेड आते हुए और यहाँ पर भागल बकरी का टीम में जीत गया है, और मैं जीते हुए हम बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे? हम बैटिंग करेंगे। ठीक है, और बकरी का टीम बैटिंग करेगा, ये पर ये बात हुआ कि बकरी का टीम बैटिंग करेगा और भागलपुर का टीम फील्डिंग सजाए। कृपया अपना टीम को फील्ड में उतार दीजिए। रामलाल अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर आया है, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है और सीधा गया फील्डर के हाथ में, देखिए। और अगला गेंद फेंकने के लिए गौरव आए है, और गौरव को इस गेंद और गौरव ने और इस गेंद पर लौरव पर लटक गया, देखिए बकरी का टीम एक प्लेयर लौरव पर लटक गया, आउट हो गया। और आउट होते हुए देखिए भागलपुर के टीम में खुशहाली छा गया है, और देखिए यहाँ पर देखिए 20 ओवर में 177 रन बनाते हुए भागल बकरी का टीम जो कि 20 ओवर में बनाए हैं, 20 ओवर में 177 रन बना लिए है, और 20 ओवर के बाद देखिए यहाँ पर खेलने के लिए उतरेगा शंभू बाबा है पहला ओवर करवाने के लिए बकरी के टीम से। और देखिए पहला गेंद कुछ नहीं, और फिर से शंभू बाबा तैयार होते हुए दूसरा बॉल के लिए, और दूसरा बॉल फेंकने के लिए शंभू बाबा तैयार है, और दूसरा गेंद को उठाकर खेल दिया है, रनों के लिए मार दिया है बहादुर सिंह, नाम काम भी बहादुर सिंह ने उठा करके खेल दिया इस बॉल को। और देखिए 6 रन चले गए हैं, और बॉल को लाते हुए फील्डिंग, और इस बॉल को देखिए बहादुर सिंह तैयार है और बॉलिंग आए है, और बॉल को छक्का मार दिया बहादुर सिंह ने, और बॉल गिरा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इस बॉल को यहाँ पर आउट हो गया भागलपुर का कैप्टन, लौरे पर लटक गया भागलपुर का कैप्टन, और इसी तरह से आउट हो गया भागलपुर का कैप्टन। काहे का नो बॉल इंपायर साहब? नो बॉल है, नो बॉल। काहे का नो बॉल? नो बॉल है, नो बॉल है। हाँ हाँ, आप नहीं दीजिएगा? अभी तो आप नहीं, नो बॉल हो, दे दीजिए ना, हो जाएगा अभी, दे दीजिए क्या? नो बॉल कर दिया था, अभी तो आप माल पानी ले लीजिएगा वापस में, दे दीजिए, हो जाएगा। कप्तान कोई घूस नहीं चलेगा, नहीं आउट,
आउट आउट नहीं है, आउट नहीं है, नहीं है आउट, लड़ाई होगा, नहीं है आउट, इधर आओ हमारे प्लेयर, आउट नहीं है, कर लेंगे, नहीं आउट है, कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं आउट है, मारेंगे, आउट है, नहीं है आउट, आउट है, नहीं है आउट, आउट है, मार होगा तो आउट लेंगे ना, नहीं देंगे, आउट है, नहीं आउट है, और दोनों टीम आपस में झगड़ा करते हुए अंपायर पर दबाव देते हुए आउट है, और अंपायर मेरा नाम है नहीं, चेहरा बदल देंगे इसको, मेरा नाम है अंपायर साहब का, वही होगा अंपायर साहब के बताने दो, नो बॉल है अभी, और अंपायर साहब और अंपायर साहब आप डिसीजन दीजिए कि आउट है या नहीं है, आउट है, इसी तरह से पहला झटका लगता हुआ, और देखिए यहाँ पर, यहाँ पर 10 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर बनाए 102 रन, और अगली गेंद बीट हो गए बल्लेबाज, और इस गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और फिर से बॉलिंग कराने के लिए आए हैं, और इस बॉल को उठा करके खेल दिया, बॉल सीधा चला गया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इसी छक्के के साथ हो गया है भागलपुर का 117 रन, गरम जी आए हैं बैटिंग करने के लिए, और गरम जी ने अभी बैट भाज रहे हैं, लगता है इस बॉल छक्का जाएगा, और ये बॉल उठा करके गरम जी ने छक्का मार दिया सीधा लॉन्ग ऑन से ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ पहुंच गया है 140 रन, 16 के बाद 140 रन, 5 गेंदों में चाहिए 12 रन, और चंद्रा भाई आए हैं बॉलिंग कराने के लिए, और इस बॉल को सीधा उठा करके खेल लिया है 6 रनों के लिए, सीमा रेखा के बाहर 6 रन, 4 गेंदों में 6 रन चाहिए, और चलिए अगली गेंद लेकर के तैयार है बॉलिंग, और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहता था लेकिन बीट हो गया ये बॉल, और 3 बॉल में 6 रन चाहिए, और अगली गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और भागलपुर का टीम मैच जीत लिया है। के साथ भागलपुर ने इस मैच को जीत लिया, और हमारे अंपायर जी जो है उसको मेडल पहराएगा, जो भागलपुर का कप्तान है उसको देखिए, और मेडल पहरा दिया है हमारे भागलपुर का टीम को, और यहाँ पर देखिए विपक्षी टीम भागलपुर टीम को जो पुरस्कार मिला है वो साइकिल जीत कर जा रहा है अपना, और इधर देखिए बकरी का टीम को साइकिल भी उसको भी मिलेगा लेकिन कम दाम वाला मिलेगा, और बकरी को टीम को साइकिल मिलने जा रहा है, और मिल गया साइकिल, और बकरी का टीम खुश होकर के जा रहा है बकरी की ओर, और बकरी वाला जीत कर हार कर जा रहा है अपना साइकिल लेकर के, सब थोड़ा बोलिए, हेलो दोस्तों।